वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं सुनील शुक्ला, आई होप यू विल फाइंड देयर। एंड आज का टॉपिक चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पीछे एक वीडियो में हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस को शॉर्टकट में यानी ट्रिकी मैटर से किस तरीके से बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसी का आज है नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म बताने से पहले, तो ये जो एक्सरसाइज दी थी हमने, ये एक्सरसाइज दी थी और इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो ये एक्सरसाइज दी थी, तो पहले सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, माता जी के खाना बनाने से पहले पिताजी दफ्तर चले गए थे। सबसे पहले हमने अपने सेंटेंस में पहले को देखा, तो नंबर एक पर क्या है, जो रूल्स थे, जो भी रूल्स थे, जो पहचान थी, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो अब सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं, टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो माता जी के खाना बनाने से पहले पिताजी दफ्तर चले गए थे, पिताजी दफ्तर चले गए थे, तो ठीक है, पहले पिताजी को दफ्तर भेजते हैं। फादर had gone to office before mother cooked the food, बन गया। दूसरा, चपरासी के घंटी बजाने के बाद, पहले हमने बाद को नोट किया, तो बाद के बाद बनाई, प्रधानाचार्य जी कॉलेज पहुंच चुके थे। तो इसे एक मेथड समझा देते हैं, एक क्विक रिवीजन हो सकता है समझ में ना हो। इसमें पहले लगा है तो ये बात पहले और ये दूसरा, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस ये बनेगा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर बात शब्द आता है तो इसे पहले बनाएंगे, इसे बाद में बनाएंगे, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म बनेगा, ये थर्ड फॉर्म बनेगा। तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लें, तभी ये समझ में आएंगे। तो दूसरा है, चपरासी के घंटी बजाने के बाद प्रधानाचार्य जी कॉलेज पहुँच चुके थे। द प्रिंसिपल रीच्ड टू कॉलेज, द प्रिंसिपल रीच टू कॉलेज आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, तो रोगी ने खाना खाया था, बाद है सब, द पेशेंट ईटन टेकन, द पेशेंट टेकन फूड आफ्टर आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, द डॉक्टर हैड गॉन। बार बार फोन आके बहुत परेशान करते हैं। पिताजी के ऑफिस जाने के बाद बारिश हुई थी, तो बारिश सिर्फ शब्द बाद में है, तो बारिश हुई थी। इट रेंड बारिश हुई थी। आफ्टर
इट रेंड आफ्टर फादर हैड गॉन टू ऑफिस, ठीक है ना। और ये पांचवा हम देखते हैं, पिताजी के ऑफिस जाने के बाद बारिश हुई थी, पुलिस के आने से पहले लोग तितर बितर हो गए थे। यहाँ लिखते हैं ठीक है, लोग तितर बितर हो गए थे, तो पुलिस के आने से पहले लोग तितर बितर हो गए थे, मतलब यह है कि पुलिस बाद में आई, लोग पहले। द पीपल हैड, द पीपल हैड स्केटर्ड, द पीपल हैड स्केटर्ड The people had scattered the police came, ठीक है ना। तो जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक्सरसाइज हो गई है, इसके बाद हम एक बार फिर से अपने रूल्स बताते हैं, ठीक है ना। तो जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनको बार एक बारी हम फिर से रूल बताने जा रहे हैं। तो रूल्स किस तरीके से हैं लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, दो बॉक्स बनाते हैं, एक लिखते हैं पहले, एक लिखते हैं बाद में, ठीक है ना। और इनसे क्या है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर एक, और यहाँ ये होगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो क्या है इसका फार्मूला, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका फार्मूला सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नो हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में, अगर वाक्य में वाक शब्द लगा हुआ है तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, इसे बनाएंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट क्या है आपको हम पहले ही बता चुके हैं, और इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो जिधर पास्ट परफेक्ट होगा, जो काम, यानी जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस, इनके टुकड़े की अगर बात की जाए, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, का मतलब हुआ प्रधान वाक्य, और ये जो है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उप प्रधान वाक्य यानी आश्रित वाक्य। ये काम पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ, तो ये प्रधान हो गया, ये प्रधान वाक्य है, ठीक है। तो टेंसों को समझने से पहले आपको
वर्ड मीनिंग पर फोकस करना चाहिए। वर्ड मीनिंग पर फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। आपको पांच, अगर यदि हम पांच वर्ड मीनिंग रोज याद करें तो एक महीने में 150, मैंने महीना 31 का मान लिया तो 150 मीनिंग मिलेंगी। और छह महीने में आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट में अवश्य बताएं। नमस्कार।